डिफेंस इन्फो टीवी के मुअज्जज़ नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। सेंट्रल एशिया के इंतहाई अहम मुल्क ताजिकिस्तान के सदर पाक फिजाइया का प्रोटोकॉल देकर थंडर का दीवाना हो गया और पाकिस्तान से थंडर लेने की पेशकश कर दी, जबकि पाकिस्तान ने मुकामी सतह पर तैयार करदा इंतहाई जदीद तरीन हथियार ताजिकिस्तान को देने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने अपने हथियार ऐसे वक्त में ताजिकिस्तान को देने का ऐलान किया जब अमेरिका ताजिकिस्तान की सरजमीन को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने की घटिया प्लानिंग तरतीब दे चुका है। अमेरिका की नज़र ताजिकिस्तान के एयर बेसिस पर है और इस हवाले से अमेरिका दबाव डाल चुका है कि अगर उन्हें एयर बेसिस नहीं दी गई तो ताजिकिस्तान को आलमी मंडियों में शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ताजिकिस्तान के खिलाफ अमेरिका की इस घटिया चाल का शायद पाकिस्तान को बहुत पहले इल्म था। इसी वजह से पाकिस्तान ने चीन की मदद से ताजिकिस्तान को तजारत के अहम रूट फराहम किए और उस मुल्क को सी पैक में शामिल कर लिया, जिसकी बदौलत अब ताजिकिस्तान को दुश्मनों से महफूज करना पाकिस्तान और चीन के लिए इतना जरूरी हो चुका है कि अब इस मकसद के लिए पाकिस्तान अपनी मुल्की सतह पर तैयार करदा हथियार ताजिकिस्तान को फराहम कर रहा है। मीडिया ज़राए के मुताबिक ताजिकिस्तान के वज़रा ने पाकिस्तान से हथियारों की मांग की और कहा कि पाकिस्तान हमारी फौजी सतह पर मदद, मतलब पाकिस्तान हमारी फोर्सेज को लड़ने की तरबियत फराहम करे। पाकिस्तान ने ये यकीन दहानी कराई है कि हम हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ शाना बिशाना खड़े हैं और पाकिस्तान ने ताजिकिस्तानी सदर को ऑफर कबूल करते हुए जवाब दिया कि हम मुल्की सतह पर तैयार करदा हथियार आपको फराहम करेंगे जिनमें हैवी गन, आर्टिलरी गन और टैंक शामिल हैं। और कुछ अंदर की खबरों के मुताबिक पाकिस्तान अपने जदीद तरीन लड़ाका तैयार JS-17 थंडर भी ताजिकिस्तान को फराहम कर रहा है, जिसके बाद अमेरिका का रद्द अमल भी देखने के काबिल होगा। इसके अलावा ताजिकिस्तान ने भी पाकिस्तान को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि हम हर मुश्किल घड़ी में आपकी शाना बिशाना खड़े हैं। इधर दूसरी जानब अमेरिका अपनी फौज के इनखला के लिए ताजिकिस्तान और पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहा था कि उन्हें फौजी अड्डे फराहम किए जाएं। पाकिस्तान की इनकार के बाद अमेरिका ने ताजिकिस्तान को धमकाना शुरू कर दिया कि अगर अमेरिका को फौजी अड्डे फराहम न किए गए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ताजिकिस्तानी सदर ने अमेरिका को इसका जवाब देते हुए पाकिस्तान का दौरा किया और वाज़े अल्फाज में अमेरिका को चैलेंज किया कि हम किसी की धमकियों में आकर अपना नुकसान नहीं करेंगे। इस बात से अमेरिका तिलमिला उठा है और पाकिस्तान ने बाजी पलट दी है। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा दें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें।